ऑल राइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमने नया मॉड्यूल शुरू किया हुआ है एंड दैट इज़ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी एंड मेलवेयर। पिछली क्लास में हमने एक खास फैमिली ऑफ मेलवेयर पे डिस्कशन की थी एंड दैट इज़ बैकडोर्स, कि किस तरीके से बैकडोर जो है आप सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से ऐसे बैकडोर को इस्तेमाल करके उस सॉफ्टवेयर या उस मशीन का कंट्रोल जो है अपने हाथ में लिया जा सकता है। ठीक है, तो आज मेलवेयर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर, और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है वायरसेस एंड वर्म्स। वायरस बेसिकली कोई भी ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर जाके अपने कोड को एम्बेड कर देता है। ठीक है, और बेसिकली जब भी वो प्रोग्राम फिर रन होता है तो लाइंस ऑफ कोड वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं, और जैसे ही वायरस वाला कोड तक सीपीयू पहुंचता है तो फिर जो है वायरस की एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाती है। वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिकली वायरस जो है वो उसमें वायरस के तीन हिस्से होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है, पहला जो मैकेनिज्म है वो इन्फेक्शन मैकेनिज्म होता है। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है कि कंट्रोल करना कि वायरस जो है वो प्रोपोगेट कैसे करेगा। प्रोपोगेट का मतलब है स्प्रेड कैसे करेगा, फैलेगा कैसे। ठीक है, टिपिकली इसमें एक सर्च रूटीन होती है, वो सर्च रूटीन उस मशीन के ऊपर डिफरेंट फाइल्स को रीड करती है और फिर बेस्ड ऑन दैट कोई ऐसी फाइल जिसके अंदर वायरस नहीं ऑलरेडी पड़ा हुआ, और वो फाइल अगर एग्जीक्यूटेबल है तो फिर वायरस जो है वो कोशिश करेगा कि अपने आप को उस फाइल के अंदर भी कॉपी कर ले और उस फाइल को इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, और तो ये बेसिकली स्प्रेड करने का तरीका होता है कि एक मशीन के ऊपर जितनी भी फाइल्स हैं उनमें से जो फाइल लग रही है कि वायरस को होस्ट कर सकेगी और एग्जीक्यूटेबल है और उसके साथ वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वायरस जो है अपने आप को उन फाइल्स में कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा वायरस के अंदर ऐसा कोड भी हो सकता है जो कि सिर्फ अपनी मशीन के ऊपर फाइल को सर्च ना करे बल्कि आपकी मशीन जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उस नेटवर्क के ऊपर और भी डिफरेंट मशीन्स के ऊपर वो वायरस अपने आप को कॉपी करने की कोशिश करे। ठीक है, और इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में हम और देखेंगे। और वही बात है कि एक दफा किसी फाइल को इन्फेक्ट कर दिया किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, ठीक है, अगर किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन्फेक्ट कर दिया है तो अब जब भी वो फाइल एग्जीक्यूट होगी उसके साथ साथ वायरस भी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा जो मॉड्यूल होता है वायरस में वो होता है ट्रिगर का। ट्रिगर का काम बेसिकली क्या होता है कि वायरस जो है वो कंडीशन चेक कर रहा होता है कि खास इट इज पॉसिबल, लाजमी नहीं है कि हर वायरस में ट्रिगर हो पर इन मोस्ट केसेस वायरस में ट्रिगर हो सकता है, और उसका काम क्या होता है कि बेसिकली एक खास कंडीशन है जिसको वो चेक करता है। अगर वो कंडीशन मीट नहीं हुई तो वायरस कुछ नहीं करेगा, ठीक है, और अगर वो कंडीशन मीट हो गई है फिर वायरस का जो मलिशियस वाला पार्ट था, यानी एक तो पार्ट होता है इन्फेक्शन वाला कि उसने बस अपने आप को फैलाना है, फैलाने से ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, ट्रिगर जो होता है वो फिर मलिशियस वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है प्रोवाइडेड की कंडीशन मीट हो जाए, और उसको वो जो मलिशियस कोड है उसे पे लोड कहा जाता है वायरस का, यानी वायरस का वो वाला पार्ट जो कि एक्चुअल नुकसान वाला काम करता है। ठीक है, ऑलराइट, और पे लोड जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो नोटिसेबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन मैकेनिज्म तो जो है वो अगर हल्के तरीके से स्लो पेस पे इन्फेक्ट कर रहा है तो फिर उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, ट्रिगर का काम जो है वो भी सिर्फ इंतजार करना ही है एक कंडीशन का, तो उसे भी डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, और पे लोड वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली जो है वो नोटिसेबल वाला पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि पे लोड क्या कर रहा होता है, आपका एक्चुअल अटैक कर रहा होता है, यानी वायरस जो है अगर चीज़ों को करप्ट कर रहा है, सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है, तो इन चीज़ों को देख के
इन चीज़ों को सेंस करके बेसिकली आइडिया हो जाता है कि सिस्टम के अंदर कोई वायरस है, फिर उसे ढूंढा जाता है, ठीक है। और बाय द वे इन सम केसेस पेलोड जो है लाजमी नहीं कि हर दफा मलिशियस ही हो, इन सम केसेस पेलोड जो है वो कोई नॉन मलिशियस कोड भी हो सकता है। यानी फिर इन दैट केस पेलोड क्या करेगा कि ठीक है वायरस जो है वो सिस्टम के ऊपर फैला देगा, इन्फेक्ट करवा देगा, पर एक्चुअली बजाते खुद वो वायरस कोई नुकसान वाला काम करता है तो नहीं, वो नहीं करता। यानी फॉर एग्जांपल वो को मैसेज दे देगा कि तुम्हारा सिस्टम करप्ट हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में इसे पे वायरस होक्स कहा जाता है कि यानी जिसका सिस्टम है उसके दिल में खौफ पैदा होता है कि वायरस आ गया है, और आया भी होता है, पर वो वायरस कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा होता, आपकी फाइलों को करप्ट नहीं कर रहा, स्टील नहीं कर रहा, वो बस आपके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो कि आपका एक वायरस का स्ट्रक्चर जो है ब्रॉडली इन तीन चीजों पे मुश्तमिल होता है। एनी क्वेश्चन क्लास? और मेरी आवाज आ रही है आप सबको? क्लास आवाज आ रही है? यस सर आ रही है जी। ऑल राइट, थैंक यू अबू बकर। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी हमने बात की स्ट्रक्चर की, अब अगली बात हम करेंगे कि वायरस का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल का क्या मतलब है कि बेसिकली वायरस अपनी जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनमें डिफरेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। पहली स्टेज होती है डॉर्मेंट फेज। डॉर्मेंट फेज में क्या होता है कि वायरस किसी मशीन पर पहुंच गया होता है, उस मशीन को इन्फेक्ट कर दिया होता है, पर अभी वायरस कर कुछ नहीं रहा, ठीक है। या तो उसने कुछ भी नहीं करना, यानी उसका काम ही कुछ नहीं ना करना है, फॉर एग्जांपल होक्स वायरस है, वो कोई नुकसान नहीं ऐसा करता, ठीक है। या फिर वो किसी ट्रिगर का इंतजार कर रहा है कि जब तक ट्रिगर नहीं होगा तब तक वो वायरस एक्टिव नहीं होगा। तो ये स्टार्टिंग फेज होती है। अगला स्टेप होता है प्रोपोगेशन का, कि एक दफा एक मशीन के ऊपर वायरस आ गया है, अब उस वायरस का काम क्या होता है कि उसने डिफरेंट उस मशीन के ऊपर जो डिफरेंट फाइल्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट एग्जीक्यूटेबल्स हैं, उनके ऊपर अपने आप को कॉपी करना, ठीक है। और इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि अपनी मशीन से निकल के जो कनेक्टेड मशीन है, यानी नेटवर्क के ऊपर कोई और मशीन भी अगर है जो राउटर के थ्रू कनेक्टेड है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी करप्ट किया जा सकता है। और इट इज पॉसिबल कि वायरस जब अपने आप को किसी और फाइल में कॉपी करता है या किसी और मशीन पे कॉपी करता है, तो जो अपना ओरिजिनल वाला कोड था वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कॉपी करे। यानी एक फाइल में एक वायरस पड़ा हुआ है, अब वही वायरस अपने आप को दूसरी फाइल में कॉपी करेगा तो उसके अंदर स्लाइट मॉडिफिकेशन ले आएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही वायरस है जो कि एग्जैक्ट वही कॉपी हर फाइल के ऊपर बनाता है, तो उसे डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आप सिंपली सारी फाइल्स को देखें और उनमें देखें कौन सा कोड कॉमन है। अगर हर फाइल में एक ही चीज कॉमन है तो वो आपको शक हो जाएगा कि चांसेस आर कि ये वायरस वाला कोड है जिसने अपने आप को कॉपी किया, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए वायरस क्या करते हैं कि अपने कोड को कॉपी करते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है हर दफा, और इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में देखता है, ठीक है। तो फिर प्रोपोगेशन फेज के एंड में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हर के इन्फेक्टेड प्रोग्राम जो है वो बेसिकली और प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। और बेसिकली डिफरेंट मशीन, डिफरेंट जो फाइल्स एग्जीक्यूटेबल हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो जब करप्ट हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो फिर वो भी यही वाला काम करेंगे कि यानी पहली एक फाइल करप्ट हुई थी, इन्फेक्ट हुई थी, उसने बाकियों को इन्फेक्ट किया, अब जो आगे इन्फेक्ट हुई है वो भी अब और फाइल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगी। इस तरीके से वायरस जो है वो फैलता है बेसिकली, और जितना ज्यादा फैलेगा इवेंचुअली उतना बेहतर अटैक जो है वो वायरस कर सकता है। अगली जो स्टेज होती है वायरस की लाइफ साइकिल में वो होते हैं ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग में क्या होता है कि डॉर्मेंट वायरस है जो कि इन्फेक्ट कर दिया है, स्प्रेड हो गया है, पर है अभी डॉर्मेंट ही, अभी उसने कोई काम नहीं किया, एक्चुअल वायरस वाला अटैक वाला काम कोई नहीं किया, स्प्रेड वाला काम किया है पर अटैक नहीं किया। तो वो फिर क्या होता है कि अब ट्रिगरिंग फेज होता है। ट्रिगरिंग फेज का क्या मतलब है कि वो एक कंडीशन को चेक करता है, और जैसे कंडीशन ट्रू हो जाती है
तो वो वायरस जो है अब अपना अटैक जो है वो एक्चुअली शुरू करेगा, ठीक है। और ये ट्रिगर क्या हो सकता है, हमने पिछली क्लास में जो लॉजिक बॉम्ब की बात की थी कि आपका एक स्पेसिफिक डेट टाइम हो सकता है जिस पर ट्रिगर होगा, कोई कंडीशन मीट और हो रही है, कोई फाइल कंप्यूटर में कॉपी हुई है। फाइल कॉपी करने का मतलब ये हो सकता है ना कि कोई कंपनी कह सकती है कि अगर हमारी कोड को किसी ने इलीगली कॉपी किया तो आपकी मशीन पे वायरस कॉपी होगा और वो ट्रिगर हो जाएगा। और बाय द वे आपने जो ब्रेन वायरस का सुना होगा, पीके ब्रेन जो दो पाकिस्तानी भाइयों ने बनाई थी, वो यही था कि वो वायरस मशीन को इन्फेक्ट तब भी करता था कि अगर उनकी फाइल को, उनके जो सॉफ्टवेयर थी, फाइल थी, उसे कॉपी किया जाए इलीगली। अगर जायज तरीके से कॉपी किया जाए फिर वो ट्रिगर नहीं होता था, ठीक है। तो ये ट्रिगरिंग का एक रूल हो सकता है। दूसरा रूल हो सकता है कि आपके जो जितनी कॉपीज बनी है वायरस की, वो अगर एक सर्टन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गई है, एक सर्टन नंबर से ज्यादा फाइल्स में वायरस आ गया है या एक सर्टन नंबर से ज्यादा मशीन में वायरस आ गया है, तो फिर वायरस जो है अपना अटैक शुरू कर सकता है। जहाँ एक और ट्रिगर हो सकता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को नौकरी से बाहर निकाला गया है तो वो जल्दी से वायरस इंस्टॉल कर देता है और उसके अंदर ट्रिगर ये लगा देता है कि फौरन एग्जीक्यूट नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन बाद या 1 महीने बाद करना है, ताकि किसी को शक ना हो कि इस बंदे को हमने नौकरी से बाहर निकाला था तो इसने वायरस जो है वो इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रिगरिंग फेज होता है। आखिरी जो स्टेप होता है वो फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन है। अब क्या होता है कि अब अपना जो जाहो जलाल है वो वायरस दिखाता है, बेसिकली कि वायरस का जो पे लोड है, जो कि एक्चुअल मलिशियस वाला पार्ट है, वो अब रिलीज होता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और इससे जो भी काम करना था वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल फाइल्स को डिलीट करना है, सिस्टम को क्रैश करना है, डेटा को चोरी करना है, करप्ट करना है, ठीक है। ये सब कुछ मलिशियस एक्टिविटी है जो कि वो कर सकता है, और इन सम केसेस नॉन मलिशियस भी हो सकता है। यानी सिंपली क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा जो है, जो कि आजकल की हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं है, तो वो आप लोगों के UMT के कंप्यूटर पर वायरस इंस्टॉल कर दें कि वक्तन फ़क्तन जो है एक मैसेज शो हो जाए जो कि PTI गवर्नमेंट का जो है कोई खिलाफ बात कर रहा हो या मजाक उड़ा रहा हो, ठीक है। फनी बात भी कर सकता है। तो ये बेसिकली होता है कि वो हार्मलेस है, इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा, पर मकसद पूरा हो गया, ठीक है। अपने दिल की भड़ास जो है वो अटैक करने वाले ने निकाल दिए, ठीक है क्लास। तो ये वायरस का एक लाइफ साइकिल है, ये 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और 4 स्टेप का ये मतलब है कि बेसिकली जून जो वायरस कॉपी हो ही जाता है तो उसके जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो ही जाती है। और इट इज़ पॉसिबल कि अगर ट्रिगर वाली बात है फिर तो अटैक सारे एक ही टाइम पे करेंगे, और अगर ट्रिगर वाली बात नहीं है तो फिर इट इज़ पॉसिबल कि हर कोई जैसे ही इन्फेक्ट करे वो अपने अपने टाइम पे अटैक करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ट्रिगरिंग फेज का एक ये भी फायदा होता है कि आपका जून जो वायरस इंस्टॉल हो ही जा रहा है, इन्फेक्ट कर ही जा रहा है, अगर वो फौरन अटैक शुरू कर दे तो इट इज़ पॉसिबल कि वो डिटेक्ट हो जाए, और इससे पहले कि वो अटैक की पावर एक सर्टन लेवल से ज़्यादा होती, वो उससे पहले डिटेक्ट होके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसे डिलीट कर दे। ट्रिगरिंग का ये फायदा होता है कि एक सर्टन टाइम पे अगर सारे के सारे इकट्ठे अटैक कर रहे हैं तो फिर डिटेक्ट जब तक वो होगा तब तक ऑलरेडी वो एक सर्टन पावर के साथ नुकसान कर चुका होगा। छोटे छोटे एक एक फाइल में वायरस अगर रन हो ही जा रहा है तो वो तो एक फाइल में अगर वायरस आया है, दो में आया है, डिटेक्ट हो गया है, तो अब फौरन आप इससे पहले कि वो कोई मैसिव नुकसान कर सकता है आप उसे रोक लेंगे। ट्रिगरिंग का ये फायदा है कि जब वो सारी मशीन को उसने इन्फेक्ट कर दिया है अब वो अपना अटैक करेगा, ताकि अब आपने अगर रोकना भी है तो रोकने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, उस टाइम में ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट। तो वायरस की जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन एक होती है बाय टारगेट, कि वो किस चीज को टारगेट करता है, और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है कि उसका पेलोड क्या होगा, यानी किस तरह का अटैक करेगा। तो पहले टारगेट की बात करते हैं। एक वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस या बूट सेक्टर इन्फेक्टर। ये वायरस बेसिकली क्या करता है कि आपकी मशीन पे जो जो स्टोरेज होती है, चाहे वो स्टोरेज हार्ड डिस्क है, चाहे वो स्टोरेज एक्सटर्नल ड्राइव है कोई, उन सारी स्टोरेज में
जो पहला सेक्टर होता है ना उसे बूट सेक्टर कहा जाता है, और उसमें यूजली वो वाला कोड लिखा जाता है, वो वाला कोड पड़ा होता है जो कि फॉर एग्जांपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, बूट करेगा, ठीक है। तो पहला सेक्टर होता है। तो जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो क्या करता है कि आपका जो भी डिस्क है, जो भी स्टोरेज है, उसके वो बूट सेक्टर को टारगेट करता है, उसका जो बूट रिकॉर्ड है उसको बेसिकली वो इस तरीके से इन्फेक्ट करेगा कि जो कोड एक्चुअली रन होना चाहिए था, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला कोई कोड है, उसकी बजाय वायरस वाला कोड रन होगा, ठीक है। और बूट सेक्टर वायरस काफी कॉमन थे, क्यों? क्योंकि जो आपका बूट सेक्टर होता है वो हार्ड डिस्क का वो वाला सेक्टर है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, यानी आपकी लेट्स सपोज 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है। अब उस हार्ड डिस्क में डिफरेंट सेक्टर होते हैं, कहीं पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोड पड़ा होगा, कहीं पे आपकी कोई गेम का कोड पड़ा होगा, कहीं पे आपका क्या कहते हैं कोई वेब ब्राउजर का आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल पड़ी हुई है। तो ये जो सेक्टर है ये एक्सेस तब होंगे जब आप उस पर्टिकुलर चीज को रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप ब्राउजर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो फिर हार्ड डिस्क के उस सेक्टर से ब्राउजर कॉपी लोड होगा और एग्जीक्यूट होगा। अगर आप ब्राउजर को खोलते नहीं है तो हार्ड डिस्क में आराम से पड़ा रहेगा, उसे कोई उसे कंप्यूटर से कभी भी टच नहीं करेगा। बूट सेक्टर अलबत्ता हार्ड डिस्क का वो वाला हिस्सा होता है जो कि हमेशा जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो बूट सेक्टर को सबसे पहले एक्सेस करके एग्जीक्यूट करता है। तो वहां पे अगर कोई वायरस आ गया ना तो वो तो गारंटीड है कि वो हर हाल में एग्जीक्यूट होगा जब भी आप सिस्टम को स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वायरस काफी खतरनाक भी है और काफी आपका एक पावरफुल और डेंजरस होता है बेसिकली, और काफी कॉमन भी है, सही है। अब यहाँ पे सिस्टम जो है वो आपका एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इन सम केसेस जो आपकी बायोस होती है वहां पे आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इजाजत नहीं होगी कि जो आपका बूट सेक्टर है, यानी जो आपके डिस्क का पहला सेक्टर है, उसके अंदर कुछ भी राइट करने की कोशिश करें। यानी अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बूट सेक्टर में राइट करने की कोशिश करेगी तो आपका जो सिस्टम है वो उसे इजाजत नहीं देगा, उसे ब्लॉक कर देगा। और इसका मकसद क्या होता है कि आपका जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है, यानी जो बूट सेक्टर के अंदर जो आपकी बूटिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम वायरसेस, ठीक है। तो ये एक किस्म का आपका वायरस है। दूसरा वायरस की क्लासिफिकेशन होती है फाइल इन्फेक्टर। ये वो वायरस होते हैं जो कि किसी एक्चुअल एग्जीक्यूटेबल फाइल को जाके करप्ट कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर में ब्राउजर पड़ा हुआ है, आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो गेम पड़ी हुई है, आपके कंप्यूटर में और क्या पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा हुआ है, वो भी एक एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, टास्क मैनेजर एक प्रोग्राम है। तो फाइल इन्फेक्टर क्या करता है कि हर वो प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, विंडोज का अगर एग्जांपल लें तो हर वो चीज जिसके आगे .exe आता है वो एग्जीक्यूटेबल होती है, उसमें आप डबल क्लिक करें वो रन होगी, पर टेक्स्ट फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, यानी .txt उसे आप ओपन करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो बस डिस्प्ले हो जाएगा। नोटपैड इज एन एप्लीकेशन, टेक्स्ट फाइल इज नॉट एन एप्लीकेशन। टेक्स्ट फाइल इज अ फाइल जो कि नोटपैड एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले कर देती है, ठीक है। तो फाइल इन्फेक्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल को टारगेट करता है, यानी नोटपैड को तो टारगेट करेगा पर .txt फाइल को टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि फायदा कोई नहीं है। फाइल इन्फेक्टर वायरस तब एग्जीक्यूट होता है जब वो किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर था और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो वो जब एग्जीक्यूट होगी तो उसके अंदर जो कोड एम्बेडेड है वायरस का वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अलबत्त आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है, यानी फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन नहीं, उसकी जो डॉक फाइल है, वो आपने कभी सुना होगा कि उसके थ्रू वायरस आ जाता है। तो फिर वो क्या तरीकाकार है, तो वो बेसिकली एक तीसरी कैटेगरी है जिसे कहा जाता है मैक्रो वायरस,
कि आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसके अंदर एक तो आपकी फाइल होती है डेटा फाइल, उसके अलावा एक मैक्रो की भी ऑप्शन होती है। मैक्रो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप अगर कोई प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आप मैक्रो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मैक्रो जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी डॉक्यूमेंट में, लेट्स सपोज लाखों लफ्जों की डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कोई चीज ढूंढ के आपको प्रोसेस करके शो कर दे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फाइल है और आपने एक लफ्ज है उसे हर जगह ढूंढ के उसका कलर चेंज कर देना, तो अब इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आपको कोई ऐसा फीचर प्रोवाइड नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्रो लिखेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि स्पेसिफाई कर देगा कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे ये लफ्ज नजर आए उसका कलर चेंज कर दो, और फिर आप वो मैक्रो रन करेंगे तो कोड रन हो जाएगा। ठीक है, तो एक खास वायरस की कैटेगरी होती है जो कि इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं इनमें मैक्रो को ढूंढती है, और अगर मैक्रो मिल जाए तो अपने आप को उस मैक्रो के अंदर एम्बेड कर देती है। अब क्या होगा कि अगर वो मैक्रो को किसी ने एग्जीक्यूट किया है तो फिर वायरस एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। और इसीलिए इन सब केसेस आपने देखा होता है कि कुछ कंप्यूटर होते हैं जो कि अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें तो आपको मैसेज शो कर देते हैं कि दिस वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ मैक्रो दैट हैज बीन डिसेबल्ड। ठीक है, और आगे वो आपको कह देते हैं कि इनेबल एट योर ओन रिस्क। वो फिर आपकी मर्जी होती है कि आपने मैक्रो रन करना है कि नहीं। अगर रिलायबल सोर्स है ठीक है रन कर दें, अगर रिलायबल नहीं है तो इट इज पॉसिबल अंदर वायरस हो उसे ब्लॉक ही रहने दें। मैक्रो को ब्लॉक करके अगर आप यानी उसे एग्जीक्यूट ना करें और एग्जीक्यूट किए बगैर आप बाकी की फाइल को अगर पढ़ना चाहें तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि वो फिर आपकी फाइल जो है एज डेटा फाइल है जिसे आप आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने वायरसेस की है बाय टारगेट, कि वो फाइल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, मैक्रो को इन्फेक्ट कर रहे हैं या बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरी क्लासिफिकेशन होती है बाय कंसीलमेंट स्ट्रेटजी, कि वायरस जो भी वायरस होते हैं उसकी कोशिश होती है कि अपने आप को छुपाए। अगर छुपाएगा नहीं तो ऑब्वियसली बड़े आराम से डिटेक्ट हो जाएगा, उसे बड़े आराम से डिलीट कर दिया जाएगा। तो वायरस की कोशिश होती है कि अपने आप को ऐसे छुपाए कि कोई भी एंटीवायरस, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी इंसान उसे डिटेक्ट ना कर सके। तो स्टेल्थ टेक्निक्स क्या होती है, कुछ सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक तो है कि वायरस जो है अपने आप को, जो ऑलरेडी मैंने कहा है कि डिटेक्शन से बचाना चाहता है, कुछ वायरस क्या करेंगे कि फाइल को इस तरीके से इन्फेक्ट करेंगे कि उस फाइल का साइज जो है वो इंक्रीज ना करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैविटी वायरस जो है वो क्या करता है कि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में उन जगहों को ढूंढता है जो कि अनयूज्ड है। ठीक है, जो कि अनयूज्ड है एग्जीक्यूट, ऐसा उनमें कोई यूजफुल चीज नहीं पड़ी हुई, और फिर वहां पे जो है वो अपने आप को रिप्लेस कर देता है, यानी उसे डिलीट करके वहां पे वायरस अपना कोड डाल देता है। अब क्या होगा, ऐसे करने से उस फाइल का साइज इंक्रीज नहीं करेगा, और जब फाइल को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इवेंचुअली वायरस वाले कोड की बारी आएगी और फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगी। एक और टेक्निक होती है कि वायरस क्या करता है कि इस तरीके से मॉडिफाई करता है उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को कि उसके अंदर जो लास्ट मॉडिफाइड वाली डेट थी, ठीक है, वो उसको चेंज होने से रोक लेता है। यानी आप अभी कोई भी फाइल देखें उसके अंदर क्रिएटेड डेट आ रही होती है और एक लास्ट मॉडिफाइड कि किस डेट पे इसे चेंज किया गया है। तो अगर आपने कोई फाइल 2 साल पहले रखी थी और उसके बाद आपने उसे हाथ भी लगाया और अभी आप खोल के देखें तो आपको नजर आया कि लास्ट मॉडिफाइड 2 दिन पुरानी डेट है, तो आपको फौरन शक हो जाएगा कि इसके अंदर कोई वायरस है। तो इसी वायरस की कोशिश होती है कि अगर चेंज किया भी है तो लास्ट मॉडिफाइड वाली डेट को जो है वो सेट कर दे सच दैट वो ओरिजिनल वाली लास्ट मॉडिफाइड ही रहे। एक और टेक्निक होती है कि वायरस क्या करता है कि हर वो टास्क जो कि एंटीवायरस से एसोसिएटेड है, जो कि वायरस को स्कैन करके डिटेक्ट करेगी, तो वायरस कोशिश करते हैं कि उस टास्क को ही किल कर दे। और आप देखेंगे कि कई प्रोग्राम होते हैं, आपके प्रोग्राम में कभी वायरस है तो आपको मैसेज आ जाता है कि सम प्रोसेस ट्राई टू
किल या शट डाउन द एंटीवायरस। पुराने जमाने में कॉमन था, आजकल एंटीवायरस ज़्यादा पावरफुल हो गया है तो इस चीज़ को करना मुश्किल हो जाता है। पर यह भी एक तरीका है कि एंटीवायरस को किसी तरह से शट डाउन कर दें ताकि वायरस को कोई डिटेक्ट ना कर सके। ठीक है, अब ज़्यादा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स पे जाएं तो एक वायरस होता है इनक्रिप्टेड वायरस। ठीक है, इनक्रिप्टेड वायरस हर वो वायरस जो कि एक रैंडम इनक्रिप्शन की बनाता है और वायरस अपने वायरस कोड के साथ स्टोर करता है, और इस की के साथ क्या करता है कि वायरस के कुछ हिस्से को वो इनक्रिप्ट कर देता है यूजिंग दिस की। तो अब क्या होगा कि जब भी वायरस, जब भी इन्फेक्टेड प्रोग्राम जो है वो इन्वोक होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले जब वायरस की बारी आएगी तो वायरस क्या करेगा, सबसे पहले उस रैंडम की को रीड करेगा, उसे इस्तेमाल करके अपने बाकी के कोड को डिक्रिप्ट करेगा, और जब डिक्रिप्ट हो गया तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब इनक्रिप्टेड का फायदा क्या होता है कि इनक्रिप्टेड चीज को रीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि लिखा क्या हुआ, आपको जिब्रिश लगेगी, तो वो फिर आपको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर कोई ऐसा कोड है जो कि क्लियर कट आपको नजर आ रहे हैं कि वायरस वाले काम कर रहे हैं तो वो तो आपको देखते साथ ही उसे भी रिमूव कर देंगे, और कोई चीज इनक्रिप्टेड है तो उसको फिर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात है कि जब इनक्रिप्टेड वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं किसी और फाइल पे, तो चांसेस आर कि वो एक डिफरेंट रैंडम की इस्तेमाल करेगा, ताकि अब जो दूसरी वाली कॉपी है वो जब इनक्रिप्ट हो तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल वाले कोड से फर्क हो, क्योंकि जितने फर्क वैल्यू हो, जितना फर्क होगा उतना उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 1000 कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर पर डिफरेंट फाइल है तो उसे मैच करना मुश्किल है। अलबत्त हर कंप्यूटर पे एक ही टाइप की फाइल है, एक ही टाइप का पीस ऑफ कोड है, तो वो फौरन किसी को भी शक हो सकते हैं कि चांसेस आर ये वायरस होगा। ठीक है, ऑलराइट। एक और फिर होता है आपकी टेक्निक, वो होती है पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करता है कि बेसिकली यहां पर इंक्रिप्शन का आंसर नहीं है, यहाँ पे कुछ और किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि वायरस जब अपने आप को कॉपी करता है किसी और फाइल में तो वो म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेट का क्या मतलब है कि अपना जो पीस ऑफ कोड था उसे कोई इस तरीके से चेंज कर देता है कि जब वो दूसरी फाइल पे कॉपी हो तो रहे मलिशियस ही, ठीक है, नुकसान ही करेगा, पर उसके कोड की शक्ल फर्क होगी। ठीक है, यानी शक्ल फर्क होने का क्या मतलब है कि आप दो लोगों ने अगर एक असाइनमेंट की हुई है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक बंदे को असाइनमेंट करने को दी जाती है तो दूसरा बंदा उसी असाइनमेंट को कॉपी कर लेता है और बीच में कुछ लफ्जों को चेंज कर देता है इस तरीके से कि ओवरऑल मतलब चेंज ना हो, पर दोनों डॉक्यूमेंट्स में फर्क आ जाए और उस फर्क की वजह से डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए कि ये कॉपी है। ठीक है, तो काश यही पॉलीमॉर्फिक वायरस भी करता। और इसी से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है मेटामॉर्फिक वायरस का। ठीक है, मेटामॉर्फिक जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन दिस केस जब वायरस कॉपी होने से पहले म्यूटेट करता है तो ये म्यूटेशन जो है वो काफी फर्क होती है, यानी इन दिस केस वायरस जो है वो अपने आप को पूरी तरह से रीराइट कर सकता है। सो मच सो कि उसका जो अटैक की उसकी अपीयरेंस तो डिफरेंट होगी ही, वो तो पॉलीमॉर्फिक में भी थी, पर इसका बिहेवियर भी फर्क हो जाएगा। यानी एक वायरस किसी और तरीके से अटैक कर रहा था तो वही वायरस अपने आप को कॉपी करके अटैक का तरीका ही चेंज कर देता है। तो अब इन दो वायरसेस को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये काम ही फर्क कर रहे हैं। तो ये मेटामॉर्फिक का कॉन्सेप्ट है कि अब इस चीज को पकड़ना जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हर दफा जब मेटामॉर्फिक वायरस अपने आप को कॉपी करता है तो हर दफा अपना अटैक, अपनी अपीयरेंस, अपना बिहेवियर, इन चीजों को चेंज कर देता है। बेसिकली अगर मैं क्लासरूम एनालॉजी दूं तो पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है वो समझ लें कि वो स्टूडेंट है जो कि नकल के लिए अकल चाहिए पर वो अकल के बगैर कॉपी कर लेता है और फौरन पकड़ा जाता है। और मेटामॉर्फिक वायरस वो होता है स्टूडेंट जो कि बड़ी अकलमंदी से कॉपी करते हैं और उसके काम को, उसके छापे को पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चेंजेस ऐसे करता है
कि कोई भी आप चेक लगा लें, वो खुद से भी चेक कर लें, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ना। ठीक है क्लास, तो ये एक और स्ट्रेटजी है, यानी एक और क्लासिफिकेशन है कि कंसीलमेंट की बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हैं। ये हम बात कर रहे थे वायरसेस की। वर्म क्या होता है? वर्म भी मलिशियस कोड है और वर्म भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है वायरस की तरह, यानी एक मशीन पे वर्म आ गया है तो वो अब बाकी मशीन पे अपने आप को कॉपी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पर डिफरेंस क्या है वर्म और वायरस में? तो डिफरेंस ये है कि वायरस जो है वो अपने आप को किसी और फाइल के अंदर इंसर्ट कर देता है, किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर अपने आप को अटैच करता है, एम्बेड कर देता है। वर्म जो है वो अपने आप को किसी और फाइल के अंदर नहीं घुसाता, वर्म ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली मशीन के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है एज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, और वर्म को अटैक या प्रोपोगेट करने के लिए किसी और फाइल के अंदर नहीं घुसना पड़ता, वो अलग ही रहता है। वायरस जो है उसे अटैक और प्रोपोगेट दोनों चीजें करने के लिए किसी एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर अपने आप को इम्बेड करना पड़ता है, अपने आप को फिट करना पड़ता है। और वर्म जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो आपकी जो सॉफ्टवेयर है मशीन, आपके जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बेसिकली वो वल्नरेबिलिटी तलाश करता है और उस वल्नरेबिलिटी को फायदा उठाते हुए वो सिस्टम को एक्सेस गेन करता है। पहले वो सिस्टम में अपने आप को कॉपी करेगा और फिर उसी ओपनिंग को इस्तेमाल करते हुए, उसी वीकनेस को इस्तेमाल करते हुए वो बाकी मशीन में अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू नहीं फैलता, ये यूएसबी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कुछ भी हो उसके थ्रू भी ये अपने आप को प्रोपगेट कर सकता है। और जो ईमेल वर्म होते हैं वो अपने आप को ईमेल के थ्रू प्रोपगेट करते हैं। ईमेल के अंदर या तो कोई जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाता है, इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि गूगल, जीमेल और इस तरह की जो तगड़ी ईमेल्स हैं वो जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं। और दूसरी चीज ईमेल वर्म कर सकते हैं कि ईमेल के साथ अगर कोई अटैचमेंट आई है तो उस अटैचमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच किया है तो उसके अंदर एक मैक्रो होगी और मैक्रो के अंदर वर्म अपने आप को फिट, मैक्रो के साथ जो है बेसिकली वो वर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो अच्छे आपके ईमेल क्लाइंट होते हैं वो जावास्क्रिप्ट को भी बैन कर देते, रोक देते हैं। उसके अलावा अगर आप एग्जीक्यूटेबल भेजने की कोशिश करें तो वो आपको मना कर देते हैं, कहते हैं कि एग्जीक्यूटेबल भेजने की इजाज़त नहीं है। और अगर आप कोई मैक्रो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेजें जिसके अंदर मैक्रो है तो वो उसको डिसेबल करके फाइल शेयर करता है, ताकि वो, यानी आपका सिस्टम जो है वो करप्ट होने से बचा सके। ठीक है, तो ये वर्म का कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज आती है कि वर्म किस तरीके से डिस्कवर करते हैं अपने टारगेट को। ठीक है, और बाय द वे सिर्फ वर्म नहीं, वायरस से भी जब टारगेट डिस्कवर करने होते हैं तो एक बात ये आ जाती है कि एक तो होता है ना कि एक मशीन के अंदर जितनी फाइल्स हैं वायरस ने अपने आप को उन फाइल्स के अंदर कॉपी करना है, तो वो तो सिंपल सर्च हो सकती है कि वायरस सर्च करी जाए कौन कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं और जो भी एग्जीक्यूटेबल है उसके अंदर अपने आप को कॉपी करना है। पर जब एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर कॉपी करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा स्ट्रेटेजी चाहिए। तो इस तरह के टारगेट डिस्कवर करने के लिए वर्म क्या करता है, एक स्ट्रेटेजी है रैंडमनेस। क्या आप कि मशीन पे एक वर्म आ गया है और वो एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, तो वो जो है रैंडम एड्रेस, आईपी एड्रेस से ट्राई करेगा। ठीक है, और उनमें से अगर किसी आईपी एड्रेस में कोई ओपन पोर्ट वगैरह मिल गया तो उस पोर्ट के थ्रू जो है वो अपने आप को कॉपी करवा देगा। यानी कल हमने क्लास में नेट कैट देखा था। ठीक है, तो एक ऑप्शन हो सकती है आप एक प्रोग्राम लिखें जो कि नेट कैट, जो कि बेसिकली सर्च करे रैंडमली कि कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं और उनके किस किस पोर्ट पे नेट कैट चल रहा है। अगर किसी पे नेट कैट की बैश कमांड रन कर रही है और आपको मिल जाता है तो अब जो है यूआरएन, अब आप उसको कंट्रोल करके अपना जो भी काम कर लें वो हम स्प्रेड कर लें बेशक। ठीक
ठीक है, तो एक चीज है कि रैंडमनेस, कि आप बस ऑल पॉसिबल आईपी एड्रेसेस और ऑल पॉसिबल पोर्ट नंबर्स जो है वो ट्राई करते रहे। पर इस टेक्निक में मसला क्या है कि इतना हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जनरेट होगी कि उसकी वजह से एक तो नेटवर्क डिसरप्ट होगा, और डिसरप्शन होगी तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बड़े आराम से डिटेक्ट कर लेगा कि इट सीम्स के वर्म अपने आप को कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के काम होगा तो वो एक्चुअल अटैक होने से पहले ही वो वर्म को जो है वो डिलीट करवा देगा मशीन में से। ठीक है, तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए वर्म की कि वो रैंडमली अगर ट्राई कर रहे हैं आईपी एड्रेस से तो आहिस्ता आहिस्ता करें, एकदम से ना करें कि इतना लोड जनरेट हो कि सारों को शक हो जाए वर्म है। दूसरी स्ट्रेटजी होती है हिट लिस्ट, कि वर्म जो है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी मशीन हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है, और ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करता है, क्योंकि फॉरन करेगा तो वही बात हो जाती है कि इतनी ट्रैफिक जनरेट होगी कि शक हो जाएगा लोगों को। तो ऐसा ऐसा एक लिस्ट बनाई जाता है कि कौन से वल्नरेबल मशीन हैं, और जब लिस्ट बन जाती है तो फिर वो क्या करता है कि इस लिस्ट पे जितनी भी मशीन हैं उन सारों को वन बाय वन इन्फेक्ट करना शुरू कर देता। और स्ट्रेटजी क्या है, टोपोलॉजिकल सर्च, कि वर्म जिस मशीन के अंदर है वो चेक करते हैं कि मशीन से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये मशीन जिस नेटवर्क का हिस्सा है उस नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि उसके ऊपर लिंक्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर मशीन्स कौन कौन सी हैं, और उन मशीन के आईपी एड्रेसेस कौन कौन से हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगर मिल गई उस वर्म को तो वो एक बेहतर अटैक जो है वो स्ट्रेटेजाइज कर सकता है, उसे फौरन पता लग जाएगा नेटवर्क में कौन कौन सी मशीन हैं, किस किस लिंक पे हैं, उनका आईपी एड्रेस क्या है, और फिर उन्हें अटैक किया जा सकता है। और एक और आखिरी स्ट्रेटजी इन दिस केस वो है लोकल सबनेट की, कि अगर आपकी मशीन ये नेटवर्क के जिनको जिन लोगों ने नेटवर्क नहीं पढ़ा हुआ तो वो जो है सब नेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है जाके नेट पे देख लें, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है, और मेरे कोर्स में भी थी। तो सबनेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क में फायरवॉल है फॉर एग्जांपल। अब फायरवॉल की एक साइड पे उस नेटवर्क का एक सबसेट है, यानी एक सबनेट है, छोटा हिस्सा है, और फायरवॉल की दूसरी साइड पे एक और सबनेट है, और एक सबनेट के अंदर जितनी मशीन है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, और एक सबनेट से दूसरे सबनेट में मशीन जो है उसको ढूंढना आइडेंटिफाई करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोकल सबनेट वाली स्ट्रेटजी ये है कि अगर किसी मशीन में वर्म आ गया है तो उस मशीन को पता है कि मेरा जो अपना सबनेट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और अपने सबनेट के जितने ऑल पॉसिबल एड्रेसेस हैं वर्म सिर्फ उस सबनेट के एड्रेसेस को जो है वो हिट करने की कोशिश करेगा ताकि उनको करप्ट किया जा सके, इन्फेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वर्म को वर्म के लिए सूटेबल टारगेट डिस्कवर करने की। अगला पार्ट ये आ जाता है कि अभी तक हमने बात की है कि वायरस क्या है, वर्म क्या है, ठीक है, वो स्प्रेड करने का तरीका क्या होता है, ये सारी बातें हुई हैं। अब हमने बात करनी है कि वर्म और वायरस का एक्चुअल अटैक क्या होता है, यानी किस चीज को वो हिट करता है, क्या नुकसान करना चाहते हैं, मकसद क्या होता है, गोल क्या होता है। तो वो पेलोड है, और पेलोड में एक गोल हो सकता है स्टेल्थिंग का। स्टेल्थिंग का क्या मतलब है कि छुपके छुपके आपने सिस्टम का कंट्रोल संभाल लेना है, और उसके लिए या तो आपका वायरस या वर्म जो है वो किसी मशीन में किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, या अगर वायरस है तो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, और वर्म है तो एज एन इंडिपेंडेंट फाइल क्या करेगा, एक बैकडोर ओपन कर देगा। और एक बार बैकडोर ओपन हो गया है तो उस वायरस का जो ओनर था, जो अटैक करने वाला था, वो अब इस मशीन का कंट्रोल संभाल सकता है। यानी कल जो हमने नेट कैट वाला एग्जांपल दिया था, तो लेट्स सपोज मैं आपको एक ईमेल भेजूं, ईमेल में एक मैक्रो और मैक्रो रन हो तो आपकी मशीन के ऊपर वो एनसी वाली जो कमांड हमने देखी थी वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो अब क्या होगा, अब मैं आपकी मशीन को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये बैकडोरिंग का कॉन्सेप्ट है। दूसरा पेलोड रूटकिट हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स जो है वो मिल जाए पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगला जो गोल हो सकता है अटैक का वो होता है सिस्टम करप्शन, कि या तो आपने डेटा को डिस्ट्रक्ट करना है,
कि वायरस और वर्म का काम क्या होगा कि उस मशीन पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसे डिलीट कर दो। अब डिलीट या तो आप तंग करने के लिए बिला वजह कर सकते हैं, या आपका मकसद है उसको नुकसान पहुंचाना क्योंकि उसने आपको साथ नुकसान पहुंचाया, या फिर आपकी कोई दुश्मनी है, या फिर आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई कॉज है, कोई पॉलिटिकल कॉज है जिसको सपोर्ट करने के लिए आप दुश्मन ममालिक के कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और सिस्टम करप्शन का एग्जांपल है कि वायरस जो है वो हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसका जो हमने पहली क्लास में एग्जाम्पल देखा था वो था स्टक्सनेट का। स्टक्सनेट में हमने क्या देखा था कि अगर कि बेसिकली हुआ क्या था कि वर्म ने यूएसबी के थ्रू एक मशीन पे आया और फिर उस मशीन से उसने ढूंढना शुरू किया कि नेटवर्क के ऊपर जितनी और मशीन्स हैं उनमें कितनों के ऊपर वो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सीमेंस की पड़ी हुई है, जिस चीज में पड़ी हुई थी वहां जाके उसने करप्ट कर दिया उन सारों को। और करप्ट करने के बाद क्या किया, सेंट्रीफ्यूजेस की स्पीड को इतना इतना फ्रीक्वेंटली इंक्रीज और डिक्रीज किया कि वो सेंट्रीफ्यूजेस ही खराब हो गया और काफी मैसिव नुकसान हुआ था उनको और ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को। ठीक है, तो ये हार्डवेयर की एग्जांपल हो गया। तो उसके अलावा रैंसमवेयर भी हो सकती है कि आपके फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के एक कंप्यूटर से पूरे नेटवर्क पे उनके एक ऐसा मैलवेयर फैले, वर्म या वायरस, जो कि उनके सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर दे। अब ये कंपनीज क्या, अब ये अटैकर क्या करेगा, उस कंपनी के सीईओ को मेल करेगा कि तुम्हारा सारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया, ये अगर तुम्हें वापस चाहिए तो हमें इतने बिटकॉइन में पे कर दो, हम तुम्हें डिक्रिप्शन की जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और ये मेरे एक दोस्त के जानने वाले के साथ हुआ था कि उसकी कंपनी में जितने कंप्यूटर थे वो सारे के सारे इनक्रिप्ट हो गए थे और काफी सीरियस नुकसान हुआ था क्योंकि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन थी। एक और पे पेलोड हो सकता है, मकसद हो सकता है वायरस और वर्म का कि उसने कंप्यूटर को अटैक एजेंट बनाना है, यानी कंप्यूटर को ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो आगे अटैक कर सके। तो वो अटैक क्या हो सकते हैं, एक हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कि मशीन को ज़ॉम्बी बना देगा और डिफरेंट मशीन आपस में एक बॉटनेट बनाएंगी और फिर जो है उसे अटैकर कह सकते हैं कि इस वक्त पे तुमने इन किसी विक्टिम को जो है अटैक शुरू कर देना है। उसके अलावा अटैक का मकसद हो सकता है स्पैमिंग। स्पैमिंग का क्या मतलब है कि लोगों को जो है एक मशीन अगर हो गई है करप्ट, इनफेक्ट हो गई है, तो अब उस मशीन से लोगों को जो है ईमेल जानी शुरू हो जाए। ठीक है, उसके अलावा ट्रैफिक स्निफिंग हो सकती है कि नेटवर्क के ऊपर कोई पैकेट जा रहे हैं तो मैं उसे रीड करना चाहता हूँ पर मैं खुद नहीं फंसना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, किसी और की मशीन के ऊपर एक ऐसा वायरस इंस्टॉल करवा दूंगा कि वो मशीन अब जो है नेटवर्क पे देखेगी क्या पैकेट जा रहे हैं, उन्हें वो रीड करेगी और मुझे सेंड कर देगी। फिर की लॉगिंग आ जाती है कि किसी मशीन पे आपने वायरस इंप्लीमेंट कर दिया है जो कि की लॉगर का काम कर रहा है, तो उस मशीन पे जब भी कोई बटन दबेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, अटैकर तक। और ये आप देख लें कि कितना नुकसान है, क्योंकि आप अपना पासवर्ड भी टाइप करते हैं, अपना यूजर नेम टाइप करते हैं, अपना बैंक अकाउंट टाइप करते हैं, अपना CNIC टाइप करते हैं, जो भी चीजें आप टाइप कर रहे होते हैं, तो अगर टाइप ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर कोई रीड कर ले तो आपकी बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन पकड़ी जा सकती है। फिर आपका स्प्रेड मैलवेयर की बात आ जाती है कि आपने एक मशीन पे अगर वायरस आ गया है, अब उस मशीन पे और वायरसेस को भी लेके आना है कि चलो जी एक वायरस आया, अब वो दावत शुरू कर दे, अपने दोस्तों को भी बुला ले, तो वो मैलवेयर स्प्रेड का कॉन्सेप्ट होता है कि एक मशीन करप्ट हो गई है, अब आइंदा भी फ्यूचर में भी कोई वायरस बनेगा तो वो उस मशीन में भेज दिया जाएगा ताकि वो वायरस के भी जो फायदे हैं वो उठाए जा सके। ठीक है, एक और अटैक हो सकते हैं ऑनलाइन पोल मैनिपुलेशन कि लेट सपोज PTI सपोर्टर्स कहते हैं कि हमने जो है एक ट्वीट को जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना है, जिसके लिए PTI सपोर्टर मशहूर हैं, वो फरहान वर्क वगैरह जो है फरहान वर्क के क्या। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आप मशीनों डिफरेंट मशीन पर वायरस इंस्टॉल करवाते हैं और वो मशीन क्या करेंगी ऑटोमेटिकली, लेट सपोज कि उस मशीन में यूजर जो है वो अपना ट्विटर अकाउंट में हमेशा लॉग इन रहता है, तो वायरस क्या करेगा उस अकाउंट से जो है वो PTI की सपोर्ट में ट्वीट जो है वो टाइप करने शुरू कर देगा, पोस्ट करने शुरू कर देगा,
तो उस तरीके से आपका जो ऑनलाइन जो पोलिंग है या ऑनलाइन जो जो सेंटिमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अगर सपोर्टर कोई भी नहीं है और ट्वीट्स जो है वो 10 लाख ट्वीट्स रोज उसके हक में आ रही हैं, तो चांसेस आर के कोई मैनिपुलेशन है। पर हैविंग सेड दैट, लोग इतना गौर नहीं करते, लोग समझेंगे कि शायद जितने ज़्यादा ट्वीट हो रही है तो इसका मतलब है यही पार्टी अगली दफ़ा भी जीतेगी, तो इसे ही वोट दे दो। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल सेंटिमेंट है लोगों का, जो वोटर है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के अटैक्स हैं जो कि किए जाते हैं, ठीक है। और भी पेलोड क्या हो सकता है अटैक, यानी क्या हो सकता है कि आपका वायरस जो है वो इंफॉर्मेशन थेफ्ट करे या स्पाईवेयर इंप्लीमेंट कर दे, जिसमें की लॉगर आ जाता है कि आप जो टाइप करते हैं वो पकड़ा वो अटैकर को दे दे। क्रेडेंशियल थेफ्ट, कि आपके जो यूजर नेम पासवर्ड पड़े हुए उस मशीन पे वो उसे दे दे, या आप टाइप करते हैं तो वो पहुंचा दे अटैकर को। ज्यादा सीरियस केस होता हो सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट का, कि आपका CNIC पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अटैकर को मिल जाए कि वो आपको इम्पर्सनेट कर सके। इस पर अभी आते हैं। फिर डेटा थेफ्ट हो सकता है, कि आपका जो प्राइवेट डेटा है वो अटैकर को मिल जाए, आपकी जो तस्वीरें हैं, आपके मैसेजेस, ईमेल्स हैं, वो सारी अटैकर को मिल जाए। और आप देखें कि ये जो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स होते हैं हॉलीवुड वगैरह के, लोग हर वक्त यही कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके आईफोन में या उनके कंप्यूटर में जो प्राइवेट डेटा पड़ा हो वो किसी तरह से हमारे हाथे चढ़ जाए, वो फिर हम बहुत महंगी कीमत पे बेच सकते हैं, टैबलॉइड्स को बेच सकते हैं, अखबारों को बेच सकते हैं, या खुद ही इंटरनेट पे पोस्ट करके फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेटा थेफ्ट है। और ज्यादा सीरियस बात ये भी हो सकती है कि आपकी कोई कंपनी है जो कि बड़ा सीक्रेट काम कर रही है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है जो दुनिया में किसी और ने नहीं बनाया, और वायरस अगर वो कॉपी कर दे, ठीक है, वो कॉपी करने से क्या नुकसान होगा कि आपकी मेहनत जाया चली जाएगी और अटैकर जो है वो प्रोडक्ट अपनी तरफ से बेचनी शुरू कर देगा। और गवर्नमेंट स्पाइंग जो है वो तो आपको पता ही है कि काफी सीरियस चीज है, जो कि हर वक्त हर गवर्नमेंट कर रही होती है अपने एनिमीज के खिलाफ और दोस्तों के खिलाफ भी, बाय द वे। और इसका जो एक एग्जाम्पल था जो मैंने कल एक क्लास में दिया भी था, कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अफ्रीकन यूनियन, ये मैं पढ़ रहा था, आई एम नॉट श्योर कितना ट्रू है, चाइनीज गवर्नमेंट ने अफ्रीकन यूनियन को गिफ्ट किया था कि हम तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें जो भी डेटा सेंटर कंप्यूटर है वो हम प्लेस कर देंगे। पर वहां पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था उसने देखा कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है यहाँ से वो जा रही होती चाइना की तरफ, इवन दो कोई उसे इस्तेमाल भी नहीं करता, तो वहां से उन्हें शक हुआ कि शायद ये डेटा जो है कॉपी कर करके चाइनीज गवर्नमेंट को भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो है डेटा थेफ्ट का एग्जाम्पल आ जाता है। और आखिरी जो एग्जाम्पल इधर है वो है फिशिंग का। फिशिंग क्या होती है कि अगर आपके पास किसी इंसान की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आ गई है तो अब अटैकर जो है उस इंसान को इम्पर्सनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर आपका CNIC नंबर है, आपका फोन अगर मैंने 10 मिनट के लिए बोरो किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, आपका पूरा नाम पता है, आपकी वालदा का पूरा नाम पता है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके बैंक को कॉल करूंगा और फोन करके मैं कह सकता हूँ कि फलानी ट्रांजेक्शन कर दो। वो मेरे से पूछेगा कि वालदा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका अपना पूरा नाम क्या है, CNIC नंबर क्या है। और जब मैं ये सारे जवाब दे दूंगा और फोन नंबर मेरा वही है जो क्या है, यानी आपका फोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर उस डेटा सेंटर वाले को यकीन हो जाएगा, सॉरी कॉल सेंटर वाले को यकीन हो जाएगा कि ये वही बंदा बात कर रहा है जो हमारा कस्टमर है, और वो मेरी मर्जी से ट्रांजैक्शन कर देगा, चाहे वो आपके अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो फिशिंग जो है काफ़ी सीरियस इशू हो सकता है। जहाँ पे फिशिंग में ये हो सकता है कि आपका लेट सपोज किसी आदमी का फ़ोन नंबर जो है वो, ये बाय द वे अटैक हुआ था कि एक आदमी का फोन नंबर जो है वो चोरी हो गया। उस फोन नंबर में जो चोर था उसने ढूंढा कि इस बंदे क्या बीवी का फोन नंबर क्या है, वो बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि यूजली बीवी का नाम जो है वह यूजली बीवी का नंबर आप नाम के साथ स्टोर नहीं करते, आप कोई निक नेम वगैरह रखा होता है या फिर इस तरह की कोई चीज़ की होती है। तो अब क्या किया उसने, उसने उस नंबर पे मैसेज किया और कहा कि मैं जो हूँ अपना
क्या कहते हैं कि मैं अपना वो भूल गया हूँ क्या, जो एटीएम की पिन होती है, तो वो मुझे नंबर बता दो। अब अगला बंदा जो है अगर मैसेज की रिप्लाई में नंबर बता देता, और लेट सपोज कि फोन के साथ एटीएम कार्ड भी चोरी किया था, तो फिर तो बड़ा शदीद नुकसान हो जाता है। तो ये फिशिंग है कि बेसिकली मैसेज क्यों कि आपकी बीवी के नंबर से या मिये के नंबर से आए, तो आप शक नहीं करेंगे कि किसी चोर ने किया मैसेज, और आप भरोसा करेंगे, आप कॉल भी नहीं करेंगे, आप मैसेज के थ्रू ही एसएमएस ही भेज देंगे कि आज ये नंबर है ले लो इस्तेमाल कर लो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और उसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग भी एक हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि बेसिकली आपने इस तरीके से सवाल पूछने या नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करनी है कि यूजर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके थ्रू उस यूजर को इंपर्सनेट किया जा सके। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज आप में से किसी एक के साथ मैं गपशप शुरू कर देता हूँ। मैं गपशप क्या करूंगा, मैं गपशप करूंगा कि लेट सपोज मैं इनोसेंट सा जुमला बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार हमारा मेरा ख्याल है कि हम दोनों रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की वो पैदाइश की जगह कौन सी है, किस शहर के पैदा हुए, शायद हम दोनों तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स शायद एक ही शहर को बिलोंग करते हो। अब इस सवाल में आपको कोई खतरे की घंटी नजर आ रही है? नहीं आ रही। आप कहेंगे मेरे पेरेंट्स का शहर पूछे, मैं बता देता हूँ कि लाहौर है या कराची है, पिंडी है, बावलपुर है, कौन सा शहर है, आप बोल देंगे। फिर मैं पूछता हूँ यहाँ और कुत्ते का क्या हाल है, पाला हुआ आजकल कि नहीं, तो फिर आप उस अगर आपको पेट्स पालने का शौक है, या मैं कहता हूँ बिल्ली का क्या हाल है, तो आप बता देंगे, आप नाम लेके बताएंगे कि हाँ वो अच्छा है, काकू रहा है, एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब बात यह है कि मैं आपसे खुली डुली गपशप कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं बिल्ली कुत्तों के बारे में पूछ रहा हूँ या आपके पेरेंट्स की जाय पैदाइश का पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे शक है कि शायद मेरे पेरेंट्स भी उसी शहर के हैं। तो बात यह है कि आपका जो ईमेल अकाउंट होता है उसमें एक सीक्रेट क्वेश्चन होता है, वहां पे किसी ने लिखा होता है कि मेरी पेरेंट्स की बर्थ प्लेस क्या है, किसी ने लिखा होता है मेरे पेट का नाम क्या है, किसी ने लिखा होता है मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। अब ये इंफॉर्मेशन मैं बारी बारी ट्राई कर लूंगा, और इनमें से कोई एक भी क्लिक कर जाता है तो मुझे आपका अकाउंट का कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे आपके डिफरेंट अटैक्स हैं जो कि वायरसेस के थ्रू इनेबल हो सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? अब आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं कि वायरसेस की, मैलवेयर की हमने बात की है, अब इसकी काउंटर मेजर क्या है। एक काउंटर मेजर ये होता है कि बेसिकली एक बात याद रखें, सॉरी, कि वायरसेस और एंटी वायरसेस जो है शुरू में जब बने थे तो काफी सिंपल थे, सिंपल कोड था, यानी पीके ब्रेन जो था जो पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था उसमें एज सच कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, ना उसके अंदर कोई पॉलीमॉर्फिज्म था, ना कोई मेटामॉर्फिज्म था, ना उसके अंदर कोई इंक्रिप्शन थी, सिंपल कोड था, वो आप पढ़ के भी आपको समझ आ जाती कि क्या है। पर अब जो वायरसेस हैं वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गए हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो उन्हें रिमूव करना भी मुश्किल है, उन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, और वो इनफेक्ट भी ऐसी जगह पे जाके करते हैं कि उस फाइल को रिमूव करें तो आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो जाए। तो इसलिए इन वायरसेस के खिलाफ जो आपको काउंटर मेजर चाहिए वो भी फिर आपको काफी तगड़े कदम के चाहिए होते हैं। आज से 20 साल पुराने वाले जो एंटी वायरसेस थे वो अब नहीं चलेंगे। ठीक है, ओवर द ईयर्स एंटी वायरसेस ने कैसे इवॉल्व किया है, तो जो पहली वर्जन थी, पहली जनरेशन थी एंटी वायरसेस की, वो बेसिकली क्या करते थे कि उनके अंदर एक वायरस का सिग्नेचर पड़ा होता था। सिग्नेचर का क्या मतलब है, आप समझ जाएं कि एक मशीन कोड या जो आपका जो भी कोड होता है जो कि उस वायरस का कोड है। तो एंटीवायरस सिंपली क्या करता था, सारी फाइलों को रीड करता था और देखता था कि इनके अंदर वो वाले लाइंस ऑफ कोड एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो लाइन ऑफ कोड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वायरस है, और वो सिर्फ उस उन लाइंस ऑफ कोड को रिमूव कर देता था, बाकी फाइल को रहने देता था। और अगर उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं था तो फिर वो पूरी फाइल को डिलीट कर देता था। और क्योंकि उस जमाने में कोई पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह का, मेटामॉर्फिज्म, इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था,
तो बेसिकली एक वायरस के अंदर जो कोड होता था पीस ऑफ कोड, वो बाकी वायरसेस में भी वही पीस ऑफ कोड इस्तेमाल होता था। तो आपने अगर एक मिल गया तो आप बाकी सारी फाइल में भी उसको क्विकली सर्च कर सकते थे। सेकेंड जनरेशन क्या थी कि अब एंटीवायरसेस ने सिर्फ सिग्नेचर को ही ढूंढते नहीं थे, वो डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल करते थे। ह्यूरिस्टिक होता है कि कोई इंटेलिजेंट स्टेप, यानी ह्यूरिस्टिक का मैं समझाऊं कैसे समझाऊं। लेट्स सपोज पासवर्ड क्रैक करना है, तो एक ऑप्शन हो सकती है कि आप सारे पासवर्ड को वन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करें। ह्यूरिस्टिक क्या हो सकता है? ह्यूरिस्टिक हो सकता है कि यार ये बंदा जो है, इसको मैं जानता हूँ, इसे अपने भाई से बड़ी मोहब्बत है, तो ये अपने पासवर्ड के अंदर अपने भाई का नाम जरूर डालेगा। तो आप वो पासवर्ड ट्राई करें जिसके अंदर भाई का नाम भी आ जाता है, तो ये ह्यूरिस्टिक होती है। तो एंटीवायरसेस के केस में ह्यूरिस्टिक क्या होगी कि एंटीवायरस देखेगा सिर्फ सिग्नेचर नहीं देखेगा, वायरस का पैटर्न नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा कि वायरस जो है इसके अंदर कोई ऐसा, फाइल के अंदर कोई ऐसा कोड तो नहीं है जो कि अमूमन वायरसेस के साथ एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोड है जो कि किसी और फाइल को सर्च कर रहा है और उसके अंदर कोई चीज कॉपी कर रहा है। तो अब बात यह है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे कोई कॉपीइंग वाली फंक्शनैलिटी या फाइल सर्च वाली फंक्शनैलिटी चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। पर अगर उस फाइल के अंदर वो है तो एंटीवायरस को शक हो जाएगा कि चांसेस आ गए कोई वायरस है। थर्ड जनरेशन क्या थी कि अब आपके एंटीवायरसेस जो थे वो सिर्फ कोड के पैटर्न को नहीं ढूंढते थे, अब वो ये भी देखते थे कि वायरस का बिहेवियर क्या है, वो एक्शन क्या ले रहा है। यानी आपका मेमोरी के अंदर एक एंटीवायरस प्रोग्राम पड़ा रहता था, जब भी कंप्यूटर ऑन है, और वो देखता रहता था, मॉनिटर करता रहता था कि डिफरेंट एप्लीकेशन कर क्या रही है। अगर किसी एप्लीकेशन ने आपका सिस्टम कॉल है कोई, फॉर एग्जांपल, उसको इंटरसेप्ट किया है, जैसे पिछली क्लास में हमने कहा था कि सिस्टम कॉल टेबल होता है, उसके अंदर कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को कॉल करना चाह रहा है, तो उसकी बजाय किसी और फंक्शन को कॉल कर दिया जाए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, तो वो चांसेस आर कि वो कोई मलिशियस कोड है। तो एंटीवायरसेस जो है वो फिर इस चीज को भी डिटेक्ट करना शुरू हो गया कि एक्टिविटी को मशकूक है कि नहीं, अगर है तो उसे ब्लॉक कर दो। और फाइनली आजकल जो एंटीवायरसेस है उनका काम क्या होता है कि वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। स्कैनिंग के अंदर वो स्ट्रक्चर भी ढूंढते हैं, सिग्नेचर भी ढूंढते हैं, पॉसिबल जो फ्रैगमेंट्स हैं वो भी सर्च करते हैं, एक्टिविटी ट्रैप करते हैं कि वायरस जो है को क्या डिफरेंट फाइल्स क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल सिस्टम कॉल इंटरसेप्ट कर रही है, तो इस चीज को वो एक आइडेंटिफाई कर लेगा एज अ वायरस मलिशियस बिहेवियर, और उसके अलावा इस चीज को रोक देगा। यानी अगर कोई सिस्टम कॉल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो एंटीवायरस उसे नहीं करने देगा, वो एक्सेस कंट्रोल लगा देगा कि ये फाइल जो है इस तरह का काम नहीं कर सकती। तो इसका फायदा ये होता है कि वायरस डिटेक्ट भी हो जाता है, और वायरस फर्दर सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन अपनी करे, ज्यादा फैले है, तो वो फैलने से और डिफरेंट फाइल्स को चेंज करने से बचा लेता है। इसीलिए आजकल के आप एंटीवायरस देखें तो वो आपको कभी मैसेज कर देते हैं कि फलाना प्रोसेस जो है इसने एक फाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश की है, वो आपको इन्फॉर्म कर देता है कि यह एक्टिविटी हुई है, तो इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चांसेस आर के ये एंटीवायरस का कोड है, सॉरी वायरस का कोड है। ठीक है, और एक और काउंटर मेजर काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, वो होता है सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग में क्या होता है कि अगर आपको किसी प्रोग्राम पे शक है कि इसके अंदर वायरस है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन रन करेंगे, जहां फिर एक एम्यूलेटेड सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स का यह वर्चुअल मशीन का फिर क्या मतलब होगा कि आप उसके अंदर उस जिस प्रोग्राम पे आपको शक है ना, आप उसे वायरस, सॉरी, सैंड बॉक्स या वर्चुअल मशीन में रन करें और उसके बिहेवियर को मॉनिटर करें। अब सैंड बॉक्स और वर्चुअल मशीन का मतलब ये होता है कि ये आपके ऑपरेट आपका जो मशीन है उसके अंदर एक अलग एक मशीन सी आप समझे बन गई है, और उस मशीन में जो कुछ होगा वो उस मशीन के अंदर ही रहेगा, बाकी की मशीन को वो अफेक्ट नहीं करेगा। यानी रैम के अंदर एक जगह बन गई जहां पे आपकी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, उसके अंदर आपने वायरस को लोड कर दिया,
आप वो वायरस एग्जीक्यूट होते हैं, वो किसी फाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो सैंडबॉक्स और वर्चुअल मशीन उसे रोक देंगे। अगर अगर उसी वर्चुअल मशीन को जितनी रैम एलोकेटेड है उसके अंदर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है और उसे करप्ट करने की कोशिश की गई है, तो वो इजाजत देगा। पर अगर उस जो रैम लोकेशन है उससे बाहर हट के किसी और फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की गई है, तो वो सैंडबॉक्स या वर्चुअल मशीन फौरन समझ जाएगा कि हमारा जो सिस्टम था उससे बाहर किसी सिस्टम की चीज को एक्सेस किया गया है। यानी ये पॉइंट समझा गया है, समझ आई है आपको कि आपकी एक मशीन है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वो उस कंप्यूटर पे हर चीज को एक्सेस कर सकता है। पर अगर आपने कंप्यूटर में एक अलग वर्चुअल मशीन रन की है और आप उस वर्चुअल मशीन के अंदर आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो वर्चुअल मशीन क्या होता है, बेसिकली उस मशीन के अंदर एक अलग मशीन है, समझ लें, इन रियलिटी नहीं, पर वो एक्ट ऐसे करती है कि अलग मशीन है। यानी वो एक्ट ऐसे करेगी कि उसकी हार्ड डिस्क भी अलग है, उसकी रैम भी अलग है, उसका सब कुछ अलग है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है। यानी ये भी हो सकता है कि आपकी मशीन विंडोज की थी और उसके अंदर वर्चुअल मशीन आपने यूनिक्स की रन कर दिया, ठीक है। एनीवे, तो इन दिस केस पे क्या होगा कि अब वर्चुअल मशीन के अंदर आपने कोई प्रोग्राम रन किया है, तो वो अगर किसी चीज को करप्ट करता है तो वर्चुअल मशीन के अंदर ही करेगा, इन रियलिटी एक्चुअल मशीन में कुछ करप्ट नहीं होगा। और जब आप वर्चुअल मशीन को शट डाउन करेंगे तो वो सब कुछ उसके साथ डिलीट हो जाएगा। और इसका फिर अप्रोच सैंडबॉक्सिंग का एक फायदा क्या है कि बेसिकली आप किसी मशकूक प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप मॉनिटर करते हैं कि वो क्या करता है, क्या वो, अगर वो इंक्रिप्टेड था तो वो किसी कोड को डिक्रिप्ट कर रहा होगा, अगर वो अपने आप को पॉलीमॉर्फिज्म यानी चेंज करके किसी और फाइल में कॉपी कर रहा है, या अपने आप को मुकम्मल तौर पे चेंज करके किसी और फाइल में कॉपी कर रहा है, तो आपको नजर आ जाएगा वो चीज़ें, और उससे आपको समझ आ जाएगी कि इस फाइल के अंदर वो कौन सा कोड था जो कि मलिशियस था, और आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ वायरस, और आप वो कहीं पे भी आपको नजर आए आप उसे रिमूव कर देंगे। और सिमिलरली अगर कोई वायरस अपने आप को डिक्रिप्ट करते हैं, तो डिक्रिप्ट करने के बाद जो चीज बनी है वो अब आपको नजर आ गई है, तो अब आप अपनी सारी मशीन में वो चीज ढूंढ सकते हैं, जहां पे भी नजर आएगी आपको समझ आ जाएगा वायरस है, उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है क्लास, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। आज हमने वायरसेस, वर्म्स की बात की है, उनमें डिफरेंट टाइप्स की बात की है, वो प्रोपोगेट करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और फाइनली हमने देखा है कि इससे बचने की कुछ सिंपल टेक्निक्स क्या हैं जो कि आजकल इस्तेमाल हो रही हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, अगली क्लास में हम फिर इस मॉड्यूल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।